हेलो, आज की वीडियो जो है वो टॉयज़ से रिलेटेड है, जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, डिफरेंट टॉयज़ उनको बाय करने होते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉयज़ की वैरायटी आपके साथ शेयर की जाएगी। उससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो चलें शुरू करते हैं। जी, तो इस वक्त मैं अलफाता प्लाज़ा में अलफाता शॉप पे हैदर भाई के साथ हूँ। तो हैदर भाई से बात करते हैं और साथ में प्राइस रेंज पता करते हैं कि बच्चों के टॉयज़ की प्राइस क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, बताइएगा कि आपके पास वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है, एक वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो जो आजकल सबसे हॉट सेलिंग आइटम है वो बताइए कौन सी है। हॉट सेलिंग में इस टाइम जो है मिडिल रेंज ही आ रही है 2000 के अंदर की। उसके अलावा हमारे पास उससे ज़्यादा भी रेंज है, जैसे ये कार्ड हो गई, ब्रांडेड डॉल हाउस हो गए, ब्रांडेड ए प्लस कार्ड्स होगी, इसमें कम रेंज भी आपको मिल जाएगी जो 1000 के अंदर रेंज है। अच्छा, वैसे इस वाली गाड़ी जो है पगानी, इसकी क्या रेंज है? ये 5000 है। ये 5000। और इसमें क्या क्या चीजें साथ में आ रही है? इसमें इसका रिचार्जेबल ये होती है, साथ चार्जर होता है, इसकी बैटरी होती है। और ये सारी की सारी मेटल की है? नहीं, ये प्लास्टिक है लेकिन ए प्लस क्वालिटी है। ये सारी इम्पोर्टेड है? हाँ जी। और इससे थोड़ी सस्ती वाली, मतलब 5000 तक? 5000, इसके बाद जैसे ये है, ये 3000 है, ये भी 3000 है, फिर ये 750। हाँ जी। और ये वो मॉन्स्टर ट्रक है? मॉन्स्टर ट्रक है, इसके ऊपर बॉडी मेटल है। ठीक है। और ये सारी रिमोट से चलने वाली? सारी रिमोट से चलने वाली है और ये रिचार्जेबल है। ये वाला जो है ये मॉन्स्टर ट्रक है, सारी ये स्टैंड डांसिंग कार है, मतलब ये 4500 की रेंज में है। इसमें इसके अलावा स्मोक भी है, लाइट के साथ डिफरेंट लाइट आएंगी, सारी ये स्मोक छोड़ेगा। और ये जो है ये मैं क्वालिटी इसकी दिखाना चाहूंगा जी। ये सारी की सारी मेटल की है, ये पूरी मेटल बॉडी है। इसकी क्या प्राइस है? ये 1 पीस 2500 का है। ये लाइट म्यूजिक है, ये देखे। इसमें डिफरेंट गाड़ियों के मॉडल मिल जाएंगे? बिल्कुल। और ये सारी की सारी मेटल की है? इसमें कम से कम हमारे पास आम रूटीन में ना 40 मॉडल्स होते हैं, जिसमें ऑडी, लैंड क्रूजर, इस तरह की काफी मॉडल, बुगाटी, बहुत से मॉडल्स होते हैं। ठीक। तो ये जो छोटे छोटे ये टॉयज हैं, इनकी क्या प्राइस रेंज है? जैसे ये है, ये 65 का पीस पड़ेगा। ठीक है। ये पूरा पैक सेल होता है हमारा। ठीक है, मतलब सिंगल पीस नहीं? ये सिंगल पीस में नहीं होता, ये पूरा पैक होता है। ये 65 का पीस पड़ेगा, ये 130 का पीस पड़ेगा, इसमें एक वो है, वो आपको 195 का पीस पड़ेगा, ये विद लाइट है। और इसके एक बॉक्स में कितने पीस आ जाते हैं? जैसे वो चीज है ना, उसमें आएंगे 16 पीस एक बॉक्स में, इसमें 24 आएंगे, इसमें भी 24 आएंगे। हैदर भाई, ये स्टफ टॉयज जो है ये काफी ज्यादा वैरायटी है, तो इसमें क्या प्राइस रेंज वेरीज करती है या सेम प्राइस में? नहीं नहीं, सब में ही डिफरेंट है। जैसे ये है, ये सबसे लो रेंज है, ये 350 का हमारे पास है, आपको पीस मिलेगा एक पीस। हाँ जी, मैक्सिमम किसी भी शॉप कीपर से आपको ये कम से कम 100% मार्जिन पे मिलेगा। मतलब जैसे ये हम 350 का सेल कर रहे हैं, वो 600 या 700 से कम सेल नहीं करते, वो सिंगल पीस इतने का सेल करते, डबल प्राइस करते। बिल्कुल ठीक। और ये उससे थोड़ा बड़ा है और ये इम्पोर्टेंट स्टफ में सारा। हाँ जी। तो इसकी क्या प्राइस है? ये हम 850 का इधर सेल कर रहे हैं, ये आपको कम से कम 1200-1300 का मिलेगा रिटेलर से, ये 1200-1300 के करीब ये मिलेगा। और यहाँ पे ये 850 इसकी प्राइस है। और ये जो पिकाचू है ये मेड इन थाई है। अच्छा। ये वाला स्टफ, इसमें ये स्टफ मेड इन थाई, ये भी मेड इन थाई है, ये भी मेड इन थाई है, ये चाइना का नहीं है, चाइना में ये है। ये वाला जैसे ये 1450 का, ये आपको आराम से किसी भी स्टोर से 3500 से कम नहीं मिलेगा। 3000 वो स्टफ भी इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम है ये। बिल्कुल। अच्छा, ये वॉशेबल भी होते हैं? हाँ जी, इजीली वॉशेबल, अगर आप इसकी कॉटन निकाल के भी वॉश करें
इजीली वॉश कर सकते हैं। और आजकल मैंने देखा कि वो लोगों ने अक्सर ना गिफ्ट वगैरह देने होते तो वो इस तरह के वो टेडी बेयर। हाँ ये बहुत अच्छी रेंज है, ये आपको हमारे से यहाँ पे 1750 का मिलेगा। इतने ही साइज का भालू आपको 2500 या 3000 का आम मिल जाता है। सिर्फ 1750 ये भी मेड इन थाई है। इसके अलावा ये स्टफ में यहाँ पे इस साइड पे ना डॉल्स हैं काफी, वो भी सारी मेड इन थाई में है। ये सब ये दिखें पैक डॉल का दिखें, ये थोर है, ये थोर है, ये मिस्टर थोर है। पीछे लविंग हार्ट आई थी ना मूवी, ये उसी में से निकाला हमने। बाल भी वैसे ही बिल्कुल। ये कुछ ना, इसमें आपको 48 करेक्टर्स कम से कम मिलेंगे। 48 करेक्टर्स और एक आम कुशन सेल हो रहा है मार्केट में, वो मैक्सिमम 160 का सेल हो रहा है, लेकिन ये वो कुशन नहीं है, ये जीन्स का इसका कपड़ा है सारा। और ये हार्मफुल भी नहीं है, वो जो सा कुशन है वो हार्मफुल है बच्चों के लिए, उसमें सांस का मसला हो जाता है। जो उसमें कॉटन डलती है वो ब्लैक कॉटन होती है, इसमें वाइट कॉटन, ये जो उनसे कॉटन होती है इसका कोई इशू नहीं होता। जितना भी हमारा स्टाफ है सब में यही वाली कॉटन यूज होती है। ये डोरेमोन, जिस ये भाई को डोरेमो पसंद है, डोरेमो के कार्टून बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, तो ये हैदर भाई के पास डोरेमो भी मौजूद है और थाई स्टफ में है, बहुत मुलायम सॉफ्ट है। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिलेगा 1550 का। 1550 बहुत डिसेंट प्राइस है। इसमें ये साइज भी आपको मिल सकता है 450 का। 450 का जी, जिसकी रेंज वो बड़ा ना लेने की हो वो ये भी ले सकते हैं। हैदर भाई के पास ये हॉट व्हील्स के कुछ मॉडल्स वगैरह पड़े हैं, और थोड़े से नहीं है बहुत ज़्यादा, ये नीचे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये बड़ा हुआ है और ये डिज़ाइन वगैरह इसमें मौजूद है। हैदर भाई इसकी क्या प्राइस रेंज है? ये 590 की है। ये हमारे पास हमेशा बल्क क्वांटिटी में मौजूद रहती हैं आइटम। जो हॉट व्हील की आपने अभी बात की थी, हॉट व्हील तो एक्सपेंसिव हो गई हुई है, वो इस टाइम कस्टमर की रेंज में नहीं है, जो आम कस्टमर है। ये 590 की है, इसमें ये 590 का ईच पीस है, ये पूरा ये पूरा पैक मिलेगा 590 का। 590 का पूरा पैक मिलेगा आपको। आपको अगर बाहर कहीं मॉल में जाते हैं सिंगल पीस लेते हैं ना, तो आपको कम से कम 450 का ये एक पीस मिलेगा, क्योंकि मेरा नेफ्यू जो है वो बाई किया तो मुझे इसलिए पता है। इसमें हमारे पास ये भी है, ये 490 की है, ये 550 की है, ये 525 की है, ये 600 की है, ये 650 की है। अच्छा, इसमें 6 गाड़ियाँ आ जाती हैं। हाँ जी, इसमें 6 गाड़ियाँ आ जाती हैं, इसमें 5 आ जाती हैं, इसमें 4, इसमें भी 5। ये हॉट व्हील की कॉपी है। हैदर भाई के पास सुपर हीरो की भी कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, और सिर्फ ये ही नहीं है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा सुपर हीरोज़ के पड़े हुए हैं। हैदर भाई ये किस प्राइस रेंज में है? ये 790 का है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पीसेस वाला ही 790 का है। 790 बिल्कुल। इसमें 5 पीसेस वाला भी जो होता है वो इस टाइम 750 के राउंड अबाउट चल रहा है। बहुत मुनासिब और बहुत डिसेंट प्राइस में 790 की ये प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे। इसमें 7 करेक्टर्स हैं जी। तो ये अवेंजर्स का आयरन मैन है, और हैदर भाई इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिलेगा 350 का। इसमें इसके अलावा 3 मॉडल और हैं, जिसमें कैप्टन अमेरिका है, हल्क है, साथ स्पाइडरमैन है, और ये मिस्टर आयरन मैन जो अब नहीं गए। आईफोन की डेथ हो चुकी है। और होलसेल पे अगर कोई चीज़ बाय करना चाहता है तो वो भी आपसे बाय कर सकता है? हाँ इजीली, हमारा बेसिकली काम ही होलसेल का, लेकिन कोई कस्टमर एक पीस भी लेने आ गया उसने भी इन कार्ड नहीं करके। और अगर कोई लाहौर से आउट ऑफ स्टेट है वो होलसेल पे चीजें लेना चाह रहा है, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे आपका कर सकते हैं और उसको कार्गो वगैरह आप यहां से हाँ इजीली। ठीक है, और पेमेंट वगैरह ऑनलाइन ऑनलाइन बिल्कुल। मतलब आप लाहौर के अलावा किसी और स्टेट से हैं तो आप इजीली होलसेल की प्राइस पे आपको ये आइटम्स मिलेंगी। आप बल्क में चीजें लें, ठीक है, अपने शहरों में सेल करें इसको। हैदर भाई का कॉन्टेक्ट नंबर और सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप भी अपनी होलसेल की प्राइस पे इसको बाय करें। आजकल बच्चों को लीगो ब्लॉक का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो भाई के पास लीगो ब्लॉक की भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। ये एक जेट प्लेन है, जेट प्लेन ही है, और ये साथ में ये आप देख सकते हैं कि एक ये भी इनके पास है, ये पूरा एक SUV बनी हुई है। तो हैदर भाई इसकी भी प्राइस बता दीजिएगा, ये कहते हैं ये बेसिकली ये एक्सपेंसिव आइटम में आती है। ये 3000 की है, वो 3500 का पड़ेगा।
ठीक है, मतलब 500 का डिफरेंस पड़ रहा है। जी 500, ये 3000 की और वो 350 जी। तो ये अभी मुझे एक पियानो नजर आया, बहुत मतलब इतना ज्यादा हैवी नहीं है। हैदर भाई इसकी जरा मुझे स्पेसिफिकेशन बता दें और किस एज के लिए ये बना हुआ है, तो मतलब कौन सी एज के बच्चे इसको। ये बेसिकली 3+ के लिए होता है, ठीक है, 3 साल से बड़ा कोई भी बच्चा यूज कर सकता है। इसमें 61 पीस होती है टोटल, ठीक है, मॉक ट्यूटरिंग। और जो बच्चे ओरिजिनल सीखना चाहते हैं वो इस पे पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें मेरे पास एक ये रेंज है, एक ये, इसके अलावा भी मेरे पास इसमें छोटी रेंज भी आती है, 1150, 1450, फिर 790। ये जो आपके हाथ में है ये बेसिकली ये 6500 का है, फिर ये उससे बड़ा है, ये वाला 12500 का। एक इसके मिड में था लेकिन वो खत्म हो चुका है। अच्छा, और ये सर सेल पे चलने वाला ही है इसके। ये प्लग एंड प्ले भी है, सेल भी है, आप इसको दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। मिड माइक है और ये बिल्कुल जिस तरह ओरिजिनल होता है कि हाँ वो उस तरह ही ये है। उस तरह ही ये काम, लेकिन ये बस ये है कि ये बच्चे इजीली, ये बच्चे इजीली हाई रेंज अक्सर पेरेंट्स नहीं लेके देते बच्चों को, ये उनकी रेंज में इजीली आ जाता है और समझना बहुत है। बिल्कुल, इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। और ये भाई ने बताया 6500 का और ये 12500 का, बहुत मुनासिब प्राइस है। मुझे खुद भी एक बाई करना था, अब मुझे प्राइस रेंज का पता चल गया और मुझे शॉप का भी पता चल गया कहाँ से बाई करना है मुझे। बाकी हसन भाई आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है और ये छोटे छोटे कार्स हैं। ये इसको किस प्राइस है? इसको डिंकी कहा जाता है, ये छोटी सी रेंज है। ये 225 का पीस पड़ेगा, इसमें ये भी 225 का पीस पड़ेगा, ये 150 का पीस पड़ेगा, 225। इसके अलावा ये मेटल में प्लेन है, ये आपको इजीली किसी भी शॉप से ना 1250 1500 का मिलेगा सिंगल पीस। हाँ जी, ये मेरे पास 750 का है। ये लाइट म्यूजिक है, ये नीचे से इसकी ये पिन निकाली और ये नीचे इसके बैटरी भी लगी हुई है, इसको पीछे करेंगे तो आगे जाएगा। ये नेवी का इन्होंने वो जम्बू बिल्कुल कार्गो वाला बनाया होगा। और ये 750 का एक पीस मिलेगा, 750 का एक पीस मिलेगा। इसमें और भी कोई डिजाइन ले ले तो वो सेम प्राइस रहेगी। हाँ जी, ये देखें इसमें ये है मॉडल, इसमें मेरे पास बेसिकली 6-7 मॉडल थे लेकिन ये पिछले दिन काफी काम की चल रही है। इस टाइम ये एक रह गया मेटल का मॉडल। इसके अलावा ये भी है, ये बड़ी प्यारी चीज है, ये लाइट आती है, इस तरह के टॉयज पहले मैकडॉनल्ड में मिलते थे लेकिन अभी उन्होंने बंद कर दिया। एक्सपेंसिव हो गए ना उनके लिए भी, उनकी डील में फिट नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे आपको प्लास्टिक की भी गाड़ियाँ मिलेंगी और मेटल की भी गाड़ियाँ मिलेंगी, ये डिपेंड करता है आपकी रेंज पे, आपकी पॉकेट कितनी इजाज़त देती है उसके मुताबिक हर वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। हैदर भाई ये जो स्कूटर्स है इसकी क्या प्राइस है और ये किस एज के बच्चों के लिए है? ये जो 4 ईयर्स होते हैं, 4+ 5+, ये मैक्सिमम 15 साल तक के बच्चे के लिए होते हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो 15 साल का बच्चा बाइक पे आ जाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन जो हाई लेवल एरियाज हैं वहाँ पे वो पेरेंट्स यही चीज़ें उन्हें बच्चों को अवेल करते हैं ताकि वो उन्हें कोई चोट वगैरह ना लग जाए। तो ये सब मेटल के प्लास्टिक के? इसमें प्लास्टिक भी है, मेटल भी है। जो प्लास्टिक भी है वो हैवी क्वालिटी है, A+ क्वालिटी है। साथ ये टायर्स में इनके लाइट होती है। इसमें मेरे पास इस टाइम 12 का मॉडल है। और ये इसकी लोवेस्ट प्राइस क्या है और हाईएस्ट प्राइस? कम से कम इसकी मेरे पास जो पड़ी हुई है वो 2150 है और हाईएस्ट 4000 है। ये बेंटन का मॉडल है, ये आपको नीले गुंबद से भी ना वो होलसेल मार्केट है, हालांकि वहाँ से भी आपको ये 3000 से कम नहीं मिलेगी। ये सारे का सारा मेटल का बना हुआ है और इनके टायर जो है वो बहुत अच्छे, ऐसे नहीं है कि ये टायर खराब होने वाले, बहुत सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी में बने हुए। ये चाइना मेड है या? ये मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। और इसकी क्या प्राइस बताई थी आपने? ये 2850। ये 2850 है और 5 ईयर से लेके 12 ईयर तक बच्चा इसको इजीली मतलब चला सकता है। इसके ऊपर लोड का तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं, अगर कोई मेरे जैसा कोई खड़ा हो जाए इसके ऊपर आप खड़े होकर देखो, फर्क नहीं पड़ता इसको। लेकिन जो जिस एज के बच्चे के लिए बनी है
वही चलाए तो ज्यादा। इसमें जो 4000 की रेंज है उस पे मैं भी खड़ा हो जाऊं। ये वाला नहीं, ये मेटल। अच्छा पिंक वाला। इसका साइज भी बड़ा है, इसका साइज भी बड़ा है, ये साइज भी बड़ा है और प्राइस भी थोड़ी ज्यादा है जी। तो अभी ये प्लास्टिक का टॉय है, काफी बड़ा है। किसी के अगर वो मेटल का अगर वो बाय नहीं करना चाह रहा रिमोट वाला, तो उसके लिए ये इस मतलब ये एक प्लास्टिक का हैदर भाई, इसकी क्या प्राइस है? इसमें काफी डिफरेंट मॉडल आते हैं। मेरे पास बेसिकली 650 वाला है, उसमें 750 भी आता है, 850 भी आता है, 550 तक भी आता है। और इसमें मुख्तलिफ शेप्स में जैसे छोटे डंपर्स हो गए, मेरे पास 150 से लेके इसमें 890 तक है। 890 तक जी। और ये सिंगल पीस की प्राइस है? ये सिंगल पीस की प्राइस है। और ये जो ये बड़ी कार है रेसिंग कार, ये 590 की है। 590 की बिल्कुल। और ये इसमें ना डबल डाई लगी हुई है और ये काफी मजबूत कार है। ये जल्दी टूटने वाली कार नहीं है वो, इसका प्लास्टिक भी बहुत अच्छा वाला है। जो प्लास्टिक होता है ना वो है। और ये जो ट्रक है ये इसकी क्या प्राइस है? ये 650 का है। ये 650 का जी। और ये प्लास्टिक इसका बहुत अच्छा प्लास्टिक है। इस पे जिसको प्लास्टिक के बारे में पता होगा, ये एक नंबर दाना है। अच्छा हैदर भाई, ये लेजर पेन भी आपके पास मौजूद है? ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चला है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा है ना मार्केट में ये। इसकी क्या प्राइस है? ये 1950 का है। इसमें भी इसी तरह काफी मॉडल्स आ रहे हैं, जो कम से कम इसकी जो रेंज स्टार्ट हो रही है 1350 से हो रही है, और ये जा रहा है कोई 3000-3200 तक की रेंज। ये कुछ ब्रांड पे भी डिपेंड कर रहा होता है? नहीं, इसके ऐसे मॉडल्स में फर्क होता है, बीच में क्वांटिटी का या पेन का फर्क होता है। और ये आपके पास है 1950 वाला मॉडल है? वैसे मेरे पास तीन थे, अब एक रह गया। इसकी डिमांड इस टाइम बहुत ज्यादा है और ऑल एजेस है। बिल्कुल, जी। तो हैदर भाई, ये गन्स वगैरह आपके पास है, ये गन किस रेंज में है? ये नर्फ गन में भी आती है। बेसिकली नर्फ गन नहीं है, नर्फ गन की रेंज इस टाइम बहुत हाई चली गई है। ये उसकी कॉपी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है। ये 1750 की है, इसमें एक ये रेंज है, ये 2250 है, इसमें एक और रेंज है वो 1850 है। फिर ये म्यूजिकल गन है, इसकी भी मेरे पास अच्छी रेंज पड़ी हुई है। उसके अलावा ये वाटर बुलेट गन है, इसमें भी इस टाइम मेरे पास 3 से 4 आर्टिकल पड़े हुए हैं। और इसकी प्राइस? ये वाली 850 की है। इसके अलावा इसमें मेरे पास 690 की रेंज है, 590 की रेंज है और 1050 की रेंज है। मतलब मटेरियल पे और उसकी स्पेसिफिकेशन साइज वगैरह पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे भी। बिल्कुल। और इसमें बुलेट्स भी है? बुलेट्स भी है इसमें, इसके अलावा स्पेड भी पड़ी होंगी। और इसमें क्या क्या चीजें? इसमें से इसकी ये 100 बुलेट्स होती हैं, ठीक है, और साथ ये क्या नाम है बैटरी होती है। अच्छा, ये इसके साथ ये कुछ लिक्विड सा भी है? हाँ बिल्कुल, इसमें आपने जिस तरह ये बॉल्स है ना, ये इसमें बॉल्स होंगे, वो आपने इसमें डाल देने वो फूल जाएंगे। ठीक है, वो बड़े हो जाएंगे। हाँ जी, वो इसमें डाल के ये 2-in-1 है। ठीक है ठीक है। और बहुत सा ये बबल गन भी है, ये 3-in-1 है, बबल गन भी, बबल्स भी निकलेगी। वाओ, यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट नजर आएगी। और अभी इसको बैक साइड आप देखेंगे तो इसमें इसके तमाम फीचर्स वगैरह जो हैं और उसकी लुक जो है एक्चुअल में जो उसकी लुक आप निकालेंगे वो है इसमें। ये 1750 इसकी प्राइस है। और इसी तरह ये दूसरे वाले मॉडल्स भी हैं, ये लाइटिंग वाला है, ये भी लाइटिंग वाला है, और ये दोनों तो मेरे ख्याल में सेम फंक्शन ही है, बस साइज का फर्क आ जाता है। साइज का फर्क आ जाएगा, इसमें एक ज्यादा है, इसमें एक कम है। हाँ, बस यही फर्क है इसमें जी। तो ये डॉल हाउसेस हैं, इसकी वैरायटी हैदर भाई के पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, वो भी पता करते हैं और प्राइस रेंज भी इनसे पता कर लेते हैं। हैदर भाई, ये वाली जो डॉल प्राइस, डॉल हाउस की प्राइस है, ये क्या है इसकी? ये मेड इन चाइना है, ये 1850 का। ठीक है, मेरे पास में जो मिनिमम स्टार्ट हो रही है वो 275 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद 450, फिर उसके बाद ये आता है ये 750, फिर ये 850। साइज दोनों का अच्छा फर्क है, साइज का बस क्वालिटी इसकी बेटर है।
ये थोड़ी सी जो सी ये गत्ते की है ना ऊपर पैकिंग पैकिंग इसका बस फर्क है, बस गत्ते का है। हाँ, बाकी मटेरियल जो अंदर मटेरियल है वो सेम और प्राइस भी सेम है, प्राइस भी सेम बिल्कुल। इसके बाद मेरे पास ये ब्रांडेड में भी आती है, ठीक है। ये वाला जॉन्स है ये 12,500 का, ये वाला 10,500 का, 10,000। और इसकी जो साइज है वो है 3 फुट, 3 फुट का साइज बनता है, 3 फुट, ठीक है। मतलब इतना ये हाउस इसका बन जाएगा। और ये किस एज के लिए, बच्चों के लिए? 3 साल से बड़ा बच्चा, अगर मतलब 4 साल का बच्चा है तो पेरेंट्स हेल्प करवा देते हैं इसको तैयार करने में, एक बार तैयार हो जाए तो बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक। वो घर बन जाता है फिर चीजें सेटिंग खुद ही चेंज करते हैं, खुद ही सेटिंग चेंज करते रहते हैं। तो ये डॉल हाउस वगैरह भी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, बैग पे भी काफ़ी ज़्यादा डॉल्स पड़ी हैं, लेकिन एक वीडियो में वो सब चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल है। तो स्पेशल थैंक्स हैदर भाई का, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्फता टॉयज़ पे। इसी इंफॉर्मेशन के साथ टीम डेस्परेट यूट्यूबर्स को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।